अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दूसरा फ्लावर दूसरे कलर से करके दिखाऊंगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रश नंबर, कलर नंबर वीडियो में डाल दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से कोई डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मैं वीडियो में बता दूंगी कि आपको कैसे डिज़ाइन मंगवाना, वीडियो में भी बता दूंगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने ब्रश कौन से नंबर का लिया है और कलर कौन सा लिया है, ये सब मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले मैंने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया है और ये जो मैं कलर फील कर रही हूँ वो रेड कलर है, क्रिम्सन का रेड कलर। रेड कलर तो नॉर्मली आप लगा सकते हैं, रेड कलर तो एक ही कलर होता है इसमें, तो आप देख सकते हैं रेड कलर मैं फील कर रही हूँ। रेड कलर के साथ मैं वाइट कलर फील कर रही हूँ जिससे हल्का सा पिंक शेड बन रहा है हमारे रेड का और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और ये जो तीसरा कलर मैं यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं ये मैंने रेड और ब्लैक का मिक्स करके कलर बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास रेड कलर थोड़े से बचे हैं तो उसमें ब्रश से एक बार डीप करके आप ब्लैक कलर का शेड रेड कलर में मिक्स कर देंगे तो आपका ये डार्क ब्राउन कलर बन जाएगा, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत रहता है। रेड कलर के शेड में अगर आप ये कलर का शेड देते हैं तो आपका रेड कलर का फ्लावर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मैं रेड और वाइट के शेड के साथ ये डार्क ब्राउन कलर का शेड भी यूज़ कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेड एंड वाइट मिला करके लाइट पिंक शेड ऊपर से बना रही हूँ जिससे हमारी मुड़ी हुई पंखुड़ी क्लियर दिखे। आप देख सकते हैं, आप पहले रेड कलर भी ऊपर साइड लगा के फिर वाइट कलर नीचे से लगा के मिक्स कर सकते हैं, उससे भी इससे भी ज़्यादा इजी है। या फिर एक साथ दोनों कॉर्नर पर कलर ले कर एक साथ भी फील कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी फील कर रही हूँ, ये मुड़ी हुई पंखुड़ी बनाना बहुत ही ईजी है। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली से हमने इसी तरीके से इसे बना लिया। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके सारी पंखुड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पे हमें थोड़ा सा जो हमारा ब्राउन कलर है उससे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो हमारी मुड़ी हुई पंखुड़ी की जो परछाई है वैसा दिखेगा कि उसकी परछाई है और वो थोड़ा डार्क दिखेगा। तो आप देख सकते हैं जब भी हम ब्रश दोबारा पंखुड़ी बनाएंगे डार्क कलर के शेड के बाद अगर हम दूसरा कलर शेड लेते हैं तो उससे पहले ब्रश को हमें वॉश कर लेना है। वॉश करने से हमारा ब्रश फ्रेश हो जाता है। जैसे हमने डार्क ब्राउन कलर लिया है तो अब हमें रेड कलर का शेड लगाना या वाइट कलर का शेड लगाना है तो हम ब्रश को धुल लेंगे। धुलने के बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे ताकि जो हमारा ब्लैक कलर का शेड है वो दूसरे कलर में ना आए, उससे हमारा जो हमारी पंखुड़ी होती है उसमें फिनिशिंग नहीं दिखती है और हमारा जो फ्लावर रहता है वो अच्छा भी नहीं दिखता है। तो कलर हमारे डार्क लाइट इस तरह से दिखते हैं। तो हम ब्रश को जब भी डार्क शेड लेंगे उसको वॉश करेंगे, उसके बाद लाइट कलर जो रहेगा उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किनारे किनारे से रेड कलर को फिल किया, बीच में वाइट कलर लगाया उसको फिल किया, दोनों कलर को एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ब्लैक कलर जो हमने रेड कलर में मिक्स किया हुआ है, डार्क ब्राउन कलर, उसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ लगाना है, आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें ताकि आपको भी क्लियर समझ आए कि कहाँ पर कैसे लगाना है जिसे आप आसानी से पेंटिंग बना सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ईजी बनाना है इसे। तो ये देखिए बहुत थोड़ा सा कलर लेना है जिससे हमें नीचे पे आउटलाइनिंग देनी है और शेड को थोड़ा सा फिल करते हुए ऊपर की तरफ फिल कर देना है। फिर ऊपर साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर हमें लगाना है इस तरह से, फिर वाइट कलर कॉर्नर पे ले बिल्कुल इस तरह से, लेने के बाद उसको हमें आड़ा टेढ़ा करते हुए पंखुड़ी अपनी बनानी है जिससे हमारी पंखुड़ी में अच्छी फिनिशिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा शेड बनना चाहिए, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, आप साइड की जो पंखुड़ियां हैं पहले कर लें क्योंकि आप जितनी भी किनारे की पंखुड़ियां पहले कर लेंगे तो आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं तो बीच की पंखुड़ी करने जा रही हूँ, लेकिन आप जब भी करें पहले किनारे की पंखुड़ी करें। अभी मैं आपको करते करते बताऊँगी कि इस तरह से करना है कि हमारी फिनिशिंग इस तरह से अगर करने के बाद हमारी फिनिशिंग किस तरह से बिगड़ जाती है। तो मैं तो संभाल के करूँगी, मेरी नहीं बिगड़ेगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कलर हमारा एक दूसरे पे ब्रश जो है चढ़ जाता है, लेकिन
अगर हम उसको संभाल के बहुत संभालना पड़ता है तो हमें थोड़े संभालना पड़ेगा। इसके लिए आपको बताने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन जब भी करें किनारे की पंखुड़ियाँ पहले कर लें उसके बाद बीच वाला पार्ट करेंगे तो आपका जो फ्लावर रहेगा काफ़ी अच्छा दिखेगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो ये मैं बीच वाला पार्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारे पंखुड़ी का निचले का हिस्सा है, नीचे का। और अब हम उस पर मुड़ी हुई पंखुड़ियाँ पीछे की तरह पलटी हुई पंखुड़ियाँ रहेंगी, अभी देखना उसको भी हम बना के दिखाते हैं इस तरह से। पहले कलर को थोड़ा डार्क कर लें अंदर के, यहाँ पे हमें ब्राउन कलर का भी शेड देना है, बहुत हल्का हल्का कॉर्नर पे शेड लें इस तरह से, देख सकते हैं आप। और इस तरह से कलर को हमें फील कर लेना है अच्छे से रेड कलर पे, ये देखिए। डार्क ब्राउन कलर लगाने के बाद हमारा फ्लावर जो है वो 3D दिखता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले रेड कलर, जैसे हमने पहले की पंखुड़ियाँ मुड़ी हुई बनाई आपको दिखाया, पहले रेड कलर लगाया उसके बाद वाइट कलर लगाया, तो वहाँ पे भी ऊपर साइड हमें रेड लगाना है, उसके बाद जो हमारी मुड़ी हुई नीचे की तरफ साइड मुड़ी हुई पंखुड़ियाँ उस पर इस तरह से वाइट लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी एक तरफ की पंखुड़ी है, अब दूसरे साइड की भी हमें इसी तरह से बनानी है। रेड कलर हमें ऊपर तरफ लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर लगाने के बाद देखिए इस तरह से वाइट कलर लगाएंगे और दोनों सेट को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कलर ज़्यादा हो गए रेड कलर तो इसमें थोड़ा सा और वाइट कलर लगा के उसको हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर बहुत ज़्यादा कलर आपके ब्रश में है तो उसे कॉटन से पहले साफ़ कर लें, उसके बाद कलर लेके उसके बाद फिल करें ताकि आप आराम से उसको बना पाएँ, कोई बनाने में मुश्किल ना आए और आराम से आप बना पाएँ। तो हमारा देख सकते हैं आप बीच वाला पार्ट मैंने बना लिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप बीच वाला पार्ट बनाने के बाद जब दूसरा पार्ट बनाते हैं तो आपको कितना संभालना पड़ता है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे, हमने वाइट कलर जो पहले फील किया है मुड़ी हुई पंखुड़ी में, अब उसको बहुत बचाना पड़ता है। देखिए हमारा कलर बहुत संभाल के लगाना पड़ता है, अगर आप वही पहले लगा लेंगे जब वाइट कलर लगाएंगे तो वाइट कलर तो हाईलाइट रहता है वो ऊपर से दिखेगा और जो है हमारा चढ़ जाएगा उसके ऊपर तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम यही वाइट कलर पे हमारा डार्क कलर चढ़ जाता है हमारे फ्लावर की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। अभी मैं आपको ब्राउन कलर लगा के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जब हम ब्राउन कलर लगाएंगे इस तरह से, देखिए वाइट कलर पे थोड़ा सा चला गया हमारा कलर, तो इससे हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। जो हम वाइट कलर लगाए हुए होते हैं उस पर डार्क कलर चला जाएगा तो उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप पहले ये पंखुड़ी जो मैं कर रही हूँ वो कर लेंगे उसके बाद अंदर की पंखुड़ी करेंगे तो आपके फ्लावर में अच्छी फिनिशिंग आएगी, आपका फ्लावर खूबसूरत और अच्छा दिखेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ पहले जो बाहर की पंखुड़ियाँ हैं उन्हें करें उसके बाद अंदर साइड की पंखुड़ियाँ करें ताकि आपके फ्लावर की फिनिशिंग बनी रहे, आपके फ्लावर अच्छे दिखें, आपके शेड अच्छे बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फ्लावर की पंखुड़ियाँ लगभग तैयार हैं इस तरह से, दो तीन पंखुड़ियाँ हमने बना रखी हैं, एक बीच की भी बना रखी हैं हमने, लगभग चार पंखुड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करके सारी पंखुड़ियों को बना सकते हैं, बहुत इजी है फ्लावर को बनाना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये तो मैंने पिलो कवर की साइज़ जो है डिज़ाइन बना रखी है, अगर आप इसे पिलो कवर पे देना चाहते हैं डिज़ाइन तो पिलो कवर पे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन की बेडशीट कॉर्नर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो फ्लावर को थोड़ा सा बढ़ा कर आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप फ्लावर को बढ़ा के बनाएंगे, ये तो काफ़ी छोटे फ्लावर हैं, मुझे लगता है तकरीबन 4 इंच तक बड़े हैं ये फ्लावर, वीडियो में काफ़ी बड़े दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये 4 इंच के मतलब अंदर ही हैं, गुलाई 4 इंच की है, आप देख सकते हैं फ्लावर जो बना हुआ है वो 4 इंच का फ्लावर है तकरीबन। अगर आप बेडशीट पे इसे देना चाहते हैं तो कम से कम आपके फ्लावर की जो साइज़ है 8 इंच की होनी चाहिए, इतने बड़े हमारे फ्लावर होने चाहिए, 7 से 8 इंच इनकी जो चौड़ाई लंबाई रहेगी 7 से 8 इंच तक होनी चाहिए तभी हमारी बेडशीट की डिज़ाइन अच्छी दिखेगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फ्लावर है ये काफ़ी छोटा है, अगर आप इसे बड़ा करके बेडशीट की कॉर्नर डिज़ाइन बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। और ये या फिर इसी डिज़ाइन से अगर आप जो डिज़ाइन मैंने बनाई है इसी डिज़ाइन से आप बेडशीट पे घुमाते हुए बनाएंगे तो भी आपकी जो बेडशीट है वो काफ़ी खूबसूरत लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगा हो। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, इंशाल्लाह शायद आपको भी पसंद आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप वॉलेट कलर आपको पसंद नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको वॉलेट कलर बहुत पसंद होता है और बहुत लोग रहते हैं जिनको रेड कलर पसंद होता है, तो आप अगर अपनी चॉइस से कलर लगाना चाहते हैं तो अपनी चॉइस से भी कलर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो कलर मैंने बताया आप उसी कलर से करें, आप किसी भी फ्लावर में कोई भी शेड दे सकते हैं। जैसे हमने आप रेड कलर का फ्लावर बनाया है तो आप उसे लेमन येलो से भी बना सकते हैं, वॉलेट कलर से बना सकते हैं, ब्लू कलर से बना सकते हैं, किसी भी कलर से बना सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस है। बस आपको शेड पता होना चाहिए कि किस तरह से शेड देना है। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हम कौन सा फ्लावर किस शेड से बनाए हैं, ब्लू कलर से बनाए हैं तो उसमें कौन सा शेड दिए हैं, तो और अगर दूसरा फ्लावर आप बनाए हैं अगर ब्लू कलर का वो शेड उसमें देना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है, अगर आप उसकी कॉर्नर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं अपने बेडशीट पर, आपको बनाने नहीं आता, अगर आप डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं वीडियो में नंबर दी हूँ, कॉन्टैक्ट करें, आपको सारे डिटेल्स दी जाएगी किस तरह से डिज़ाइन मंगवाना है। और फ्रेंड्स अगर आप डरते हैं डिज़ाइन मंगवाने से, मतलब कि आपकी डिज़ाइन आपके घर पे नहीं पहुंचेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, डिज़ाइन आपको मिलेगी। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। एक बार मैं बता भी देती हूँ किस तरह से आपको डिज़ाइन मंगवाना है, करना क्या है। अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं आपको डिज़ाइन पसंद आ गई है, आप चाहते हैं उसे मंगवाना, तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद मुझे व्हाट्सअप करना है, आपको उसकी प्राइस बताई जाएगी। अगर आप डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप साथ में एड्रेस भी अपना दें ताकि हम जो डिज़ाइन बनाएंगे पोस्ट करेंगे उस पर आपका एड्रेस डालें ताकि आपके पास डिज़ाइन आराम से पहुंच जाए। आपका फ़ोन नंबर चाहिए, आपका एड्रेस चाहिए, किस नाम से जाएगा वो नाम चाहिए, आपको सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से डिज़ाइन आपके घर पे पहुंच जाएगी। और मैंने अनगिनत डिज़ाइनें भेज रखी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिज़ाइन मंगवाया है, तो आप भी बिना हिचकिचाए डिज़ाइन मंगवा सकते हैं अगर आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है तो। अगर इस खास इस डिज़ाइन को अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, इसकी कॉर्नर डिज़ाइन बनेगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी बेडशीट पे। आप इस डिज़ाइन को भी आप बेडशीट पे डिज़ाइन कर सकते हैं, इतनी छोटी डिज़ाइन से भी अपनी पूरी बेडशीट को बना सकते हैं, सिर्फ आपको डिज़ाइन करने आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करें। आप इतनी छोटी डिज़ाइन से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको कॉर्नर डिज़ाइन चाहिए तो कॉर्नर डिज़ाइन भी इसकी बन जाएगी, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने स्टेप बाय स्टेप करके आपको डिज़ाइन बता दी है कि किस तरह से हमारी पेंटिंग होगी, कौन सा कलर हमें लगाना है, तो मैं वीडियो में भी नंबर ब्रश का डाल दूंगी। ब्रश का नंबर तो 2 नंबर है आपको मैंने बता ही दिया है, रेड कलर है और जो हमारा डार्क शेड है वो हमने बता ही दिया है कि रेड और ब्लैक का शेड है, तो इसमें नंबर जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल से कलर मैंने इसमें लिए हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। आप रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाएंगे तो आपका जो मेरा डार्क कलर दिख रहा है ब्राउन कलर का वो बन जाएगा, और रेड कलर तो नॉर्मल है, कोई भी आप रेड कलर ले सकते हैं, वाइट कलर नॉर्मल है, आप कोई भी वाइट कलर ले सकते हैं, शेड आपका यही बनने वाला है। ये सब कलर लेने पे आपको इसकी नंबर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो में जब तक मैं स्टार्टिंग में कलर लगाई हूँ आपको वहीं पे नंबर मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर आप बिगनर्स हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, ताकि आपको इजीली समझ आए कि किस तरह से इसकी पेंटिंग करनी है। और बीच बीच में मैं जो है ज़रूरी बातें जो होती है वो बताती रहती हूँ, ताकि आपको समझ आए। तो आप वीडियो की स्किप ना किया करें, जो सीखने वाले हैं वो बिल्कुल स्किप ना किया करें, और जो पेंटिंग करने वाले हैं उनकी तो बात की अलग है, थोड़ी सी वो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सी पेंटिंग करनी है, ठीक है। लेकिन जो बिगनियर्स हैं वो ज़रूर से वीडियो पूरी देखें, ध्यान से देखें, ताकि उनको समझ आए। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, मैं जो चीज़ वीडियो में बताई रहती हूँ, दिखाई रहती हूँ, उसका भी वो कमेंट्स में पूछते हैं। अगर वो ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वीडियो में सारी बातें बताती हूँ, ऐसे ही कोई जो भूल जाती होंगी वही नहीं बताती हूँ, लेकिन वीडियो में मैं हर एक चीज़ बताती रहती हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या है, कैसा है, सब बताती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, क्या बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक मेरी वीडियो पे बहुत कम रहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, या फिर वो जानबूझ के लाइक नहीं करते, उन्हें मेरी वीडियो पसंद नहीं आती। तो फ्रेंड्स, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो लाइक करने से इतना तो पता चलता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अगर और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आपको इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखाती रहूँगी, जो आप अपने बेडशीट पे बना सकें, आपको जो पसंद आए, आप अपने बेडशीट पे बनाएं, उसकी पेंटिंग बनाएं, आपकी बेडशीट खूबसूरत लगेगी, तो लोग पूछेंगे किसने बनाया, तो आप बोलेंगे मैंने बनाया। तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी, पेंटिंग करने आ जाएगा, जो बिगनर्स हैं उन्हें अच्छी अच्छी पेंटिंग आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको भी ईजिली समझ आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोशिश करूँगी मैं इससे भी अच्छी वीडियो लाऊं आपके लिए, ताकि आपको और भी आसानी से समझाऊं, ताकि आपको आसानी से समझ आए, इजीली समझ आ जाए, और आप भी पेंटिंग कर लें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से पेंटिंग करना है। इस तरह से मैं आपको समझा के बताती हूँ कि इस तरह से करें, इस तरह से करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े आपको बताने का, वीडियो बनाने का। अगर मुझे लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल पे फ्रेंड्स व्यूज़ नहीं आते हैं तो दिल भी नहीं करता है वीडियो बनाने का। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो मेरा बनाने का भी दिल करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में भी आपको बताऊंगी, समझाऊंगी किस तरह से बनाना है, क्या करना है। तो आप मेरे वीडियो का ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियो को मिस ना करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो भी आप ना मिस करें, और सारी मेरी वीडियो देख सकें, ताकि आपको भी हर पेंटिंग की जानकारी हो जो मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो है सारी पंखुड़ियाँ बन चुकी हैं, यहाँ पे एक पंखुड़ी बाकी है और बीच वाला पार्ट बाकी है, जो कि आप इजीली बना सकते हो, कुछ भी उसमें करना नहीं है। जिस तरह से हमने पंखुड़ी बनाई है उस तरह से बस एक पंखुड़ी जो है वो भी बनेगी, और जो बीच वाला पार्ट है उसमें हम गोल्डन येलो लगाएँगे, और किनारे पर थोड़ा सा ब्राउन कलर लगाएँगे, और उसके बाद वाइट कलर का शेड दे देंगे, या फिर आप ब्राउन कलर नहीं लगाना चाहते हैं, जो हमारा तो इसमें ब्राउन कलर हर जगह नीचे के हिस्से में है, तो अगर आप ब्राउन कलर नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ लेमन येलो लगा के, गोल्डन येलो लगा के उसमें वाइट कलर का बूटा मारेंगे। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ, ताकि बता देती हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, ताकि आपको कोई हिचकिचाहट ना हो बनाने में। चलिए इसको पूरा करते हैं, पहले पंखुड़ी उसके बाद दिखाते हैं।
और फ्रेंड्स किस किस को ये पेंटिंग समझ में आई और कौन कौन करना चाहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, आपका रिप्लाई कर पाऊँ जो आप पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें ताकि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर ना देना पड़े जो मैंने वीडियो में बताया है, क्योंकि वीडियो में जो मैं समझा दूंगी वो आपको मैसेज के ज़रिए नहीं समझा पाऊंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसके लिए मैं बोलती हूँ वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें ताकि आपको क्लियर समझ आ सके, इसके लिए बोलती हूँ। और जो फ्रेंड्स हैं वीडियो देखते नहीं हैं, बीच में पूछते हैं, तो मुझे समझाना भी मुश्किल हो जाता है कि मैं कमेंट्स में क्या क्या लिखूँ और कैसे कैसे समझाऊँ। तो आप वीडियो को, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए कहाँ पे कौन सा कैसे लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो गोल्डन येलो है इस तरह से हमें लगाना है, देख सकते हैं बहुत सिंपल है इसे बनाना। ये बीच वाला पार्ट है और एकदम बीच का पार्ट है, देखिए जो अंदर साइड हमारा रहता है फ्लावर में, वो इस तरह से हमें छोटा छोटा डॉट डॉट करके डॉट देना है। अगर आपके पास यहाँ पे पेन ब्रश है 0 नंबर का 1 नंबर का, तो आप डॉट बनाने के लिए उस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस ब्रश का आप यूज़ करेंगे तो आपका आराम से जो है पेंटिंग बन जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।